Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are doing your revision work regularly. So students, your periodic tests are going on. So let's revise our geography syllabus. And in today's class, we will revise lesson 10 of part 2, transport and communication. And iske NCERT question answer hum aaj discuss karenge. Okay, so let's continue. First MCQ is total railway zones. हमने railway zones, रेलवे मैनेजमेंट ने रेलवे को कुछ जोन्स में डिवाइड किया है ताकि मैनेजमेंट उसका इजी हो जाए. तो देयर आर 16 जोन्स एंड मैंने आपको इसमें से 5 या 4 जोन्स है वो लर्न करने के लिए बोला भी है. जैसे सबसे ईस्टर्न जोन में कोलकाता है, सबसे वेस्टर्न में मुंबई है, नॉर्दर्न में चेन्नई है, नॉर्दर्न जोन में दिल्ली है. ओके, सो ये जोन्स तो आपने लर्न करने ही है, मैप में भी फिल करने को आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे. लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे NH7 है. NH7 वाराणसी टू कन्याकुमारी सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है ये इंडिया का. ओके, नेक्स्ट नेशनल वाटरवे फर्स्ट. नेशनल वाटरवे 3 हमने पढ़े थे, तो फर्स्ट वाटरवे है वो कहां से कहां तक है. फर्स्ट वाटरवे गंगा रिवर में हल्दिया वेस्ट बंगाल, हल्दिया से और अलाहाबाद. ओके, सो हल्दिया टू अलाहाबाद कौन सी रिवर में है. गंगा रिवर में नेशनल वाटरवे फर्स्ट. नेक्स्ट फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट. पहला रेडियो प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्ट कब हुआ था. 1923 में. ओके, 1923 में पहला रेडियो प्रोग्राम है वो ब्रॉडकास्ट किया गया था, मतलब लोगों तक पहुंचा था. नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट इज अ विच काइंड ऑफ एक्टिविटी. शॉर्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट कौन सी एक्टिविटी में आता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी. सो ये सर्विस प्रोवाइड करता है इसलिए हम इसको टर्शरी एक्टिविटी में इंक्लूड करते हैं. सो ट्रांसपोर्ट पूछा जाए तो किस टाइप की एक्टिविटी है, दैट इज टर्शरी एक्टिविटी. ओके, नेक्स्ट इसके टाइप कौन कौन से हैं. सो सबसे पहले लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. सो हमने इसको क्लासिफाई किया लैंड ट्रांसपोर्ट में. लैंड में रोडवेज, रेलवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट में डोमेस्टिक एंड ओशन रूट्स एंड एयर में नेशनल एंड इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एयरवेज एंड इंटरनेशनल एयरवेज. नेक्स्ट मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पाइपलाइन. जो लैंड ट्रांसपोर्ट है उसमें न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आया, दैट इज कॉल्ड द पाइपलाइन. पाइपलाइन के थ्रू हम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, वाटर है उसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. ओके, एंड मिनरल्स है उनको भी स्लरी के फॉर्म में, उनको भी लिक्विफाइड करके और आगे तक पहुंचाया जा सकता है. सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि केमिकल है वो एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में भेजना है. जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है वो तो पाइपलाइन के भरोसे ही चलती है. ओके, सो मेरिट एंड डीमेरिट में कुछ पॉइंट्स है. मेरिट क्या है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड वाटर को आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं एनी टेरेन में से, माउंटेन में या प्लेन्स में, प्लेट्यू में, हिल्स में, डेजर्ट में, कहीं पर भी पाइपलाइन है उनका कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है. नॉट डिले इन ट्रांसपोर्ट. इसमें ट्रांसपोर्ट का डिले नहीं होता, मतलब अगर ट्रक से कोई सामान आ रहा है सो अगर वेदर खराब है तो ट्रक को रोक लिया जाता है या ट्रैफिक जाम हो गया तो ट्रक रुक गए तो वो एक दो दिन लेट हो जाते हैं. बट ऐसा पाइपलाइन के साथ में ऐसा कुछ नहीं है कि ट्रांसपोर्ट है उसमें डिले होगा. ठीक है, बिना किसी रुकावट के और जल्दी से आगे तक सामान पहुंचता है. एंड इसमें ट्रांसशिपमेंट लॉस भी नहीं होता है, मीन्स जो सामान जितनी क्वांटिटी में भेजा जा रहा है वो आगे उतनी ही क्वांटिटी में मिलता है. यानी कि ट्रक से और रेलवे से जब सामान को लोड रिलोड किया जाता है तो उसमें थोड़ा सा लॉस होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है. तो ये तो थे मेरिट. अब डीमेरिट में लीकेज नॉट फाउंड इजीली. कहीं पर लीकेज हो जाए पाइपलाइन में तो पूरी पाइपलाइन को चेक करना पड़ता है, तो लीकेज का पता लगाना मुश्किल होता है. इनिशियल कॉस्ट हाई. जब स्टार्टिंग में ले डाउन करी जाती है, पाइपलाइन बिछाई जाती है, तो उसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है. ओके, काफी पैसा उसमें खर्च होता है एंड सिक्योरिटी पर्पज से भी ये सेफ नहीं है, इसको डैमेज कर सकते हैं. सो मेरिट में क्या था कि आसानी से पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड वाटर को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है. किसी भी टैरेन में से, किसी भी रिलीफ फीचर में से इसको हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं
एंड डिले नहीं होता है, ट्रांसपोर्ट में देरी नहीं होती है। जबकि डीमेरिट में हमने पढ़ा कि लीकेज है उसको आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता। इनिशियल कॉस्ट इसकी ज्यादा होती है स्टार्टिंग में जब हम इसको ले डाउन करते हैं पाइप्स को, एंड ये सिक्योरिटी पर्पज से भी सेफ नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स अपने मैसेज को कन्वे करना या किसी सेकेंड पर्सन तक अपने मैसेज को पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन। एंड कम्युनिकेशन मीन्स मीन्स वो मीन्स जिनको हम यूज कर रहे हैं कम्युनिकेट करने के लिए। टेलीफोन है, इंटरनेट है, टेलीविजन है, रेडियो है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड इनको हमने पर्सनल एंड मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में क्लासिफाई किया है। पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, हम पर्टिकुलर किसी पर्सन को मैसेज करना चाहते हैं, हमने मैसेज कर दी, ईमेल कर दिया, हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, टेलीफोन पे बात कर रहे हैं। एंड मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में मतलब हम नंबर ऑफ पीपल के पास भी कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, दैट इज हम मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू या सोशल मीडिया के थ्रू लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द मास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमें एयर ट्रांसपोर्ट है वो 1911 में स्टार्ट हुआ था, जबकि इंडिपेंडेंस के बाद में एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस अथॉरिटी के पास में पूरे चार्जेस आ गए थे एयर ट्रांसपोर्ट को मैनेज करने के लिए। इंडियन को पहले इंडियन एयरलाइंस कहा जाता था, जबकि इसका 2005 में नेम चेंज होकर के इंडियन हो गया। ये डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मैनेज करती है, जबकि एयर इंडिया है वो पैसेंजर के साथ में जो कार्गो ट्रांसशिपमेंट है, जो कॉमोडिटीज है, सामान इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, उसको भी मैनेज करते हैं। ओके, सो फैक्टर इफेक्ट द ट्रांसपोर्ट। कौन कौन से फैक्टर है जो ट्रांसपोर्ट को इफेक्ट करते हैं, मीन्स ट्रांसपोर्ट कहीं पर हम कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं वो किन चीजों पर डिपेंड करता है, दैट इज क्लाइमेट। अब क्लाइमेट जहां पर ज्यादा बारिश होती है वहां पर रेलवे सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। रेलवे ट्रैक अगर हमेशा पानी में डूबा रहेगा तो ट्रेन वहां पर कैसे चलेगी। सो क्लाइमेट इफेक्ट करता है। रिलीफ फीचर, माउंटेनियस एरिया में या हिली एरियाज में आप रोड का कंस्ट्रक्शन, रोड्स का कंस्ट्रक्शन, रेलवे का कंस्ट्रक्शन इजीली नहीं कर सकते हैं, सो वहां पर एयर ट्रांसपोर्ट का यूज किया जाएगा। वो एरिया जहां पर बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है या बहुत ज्यादा हिली एरिया, वहां पर एयर ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा सक्सेसफुल है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज। कुछ एरियाज में रिसोर्सेज मिलते हैं तो वहां पर बेटर ट्रांसपोर्ट होता है, क्योंकि रिसोर्सेज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, जबकि जहां पर रिसोर्सेज कम मिलेंगे वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होती है। कुछ होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसी मीन्स किसी एरिया को इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया गवर्नमेंट ने, तो वहां पर लोगों के मूवमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी मिलेगी, जबकि वो एरिया जो डिसेक्ट है या जहां पर डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवेज है उनका कंस्ट्रक्शन भी किया था। गोल्डन क्वाड्रिलेटर इंडिया के 4 मेजर सिटीज, दैट इज दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, उनको आपस में लिंक करता है, एंड ये 4 to 6 लेन है। ओके, ग्रैंड ट्रंक रोड। ग्रैंड ट्रंक सूर्य ने बनवाया था और इन्होंने इंडस वैली से सोनार वैली जो कोलकाता में है वहां तक इसे बनाया था, जबकि जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड को इंडस की जगह पेशावर से कोलकाता तक, सोनार वैली कोलकाता में, एंड जब आफ्टर इंडिपेंडेंस इसको फर्दर हमने 2 हाईवेज NH1 एंड NH2 में डिवाइड कर दिया। सो अमृतसर टू दिल्ली नेशनल हाईवे फर्स्ट एंड दिल्ली टू कोलकाता नेशनल हाईवे सेकेंड। सो ये था ग्रैंड ट्रंक रोड। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट NCERT क्वेश्चंस। ये NCERT क्वेश्चंस थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो टुडे योर होमवर्क इज टू रिवाइज दीज NCERT क्वेश्चंस एंड राइट इन योर रफ नोटबुक। ओके, सो डू योर स्टडी ऑनेस्टली, रेगुलरली एंड फॉलो योर टाइम टेबल। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।